नमस्कार दोस्तों, मैं विजय और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले बजाज कंपनी की तरफ से आने वाली बजाज पल्सर N150, ये जो नेकेड कैटेगरी में आने वाली बजाज की बाइक है 150 cc सेगमेंट में की। इस गाड़ी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो हिंदी में देखने वाले, इसमें क्या क्या बदलाव किए गए, क्या क्या अपडेट्स किए गए, कौन से नए फीचर ऐड किए गए गाड़ी में और कौन कौन सी नई चीज़ें जो गाड़ी में देखने को मिलती है, ऐसी सभी डिटेल जानकारी जो आज की इस वीडियो में हम हिंदी में देखने वाले। तो पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों आप लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है। तो जल्दी से फटाफट हम बजाज पल्सर N150 इस गाड़ी का वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम वीडियो जो स्टार्ट करते हैं और आप देख रहे हैं बजाज पल्सर N150, ये बाइक नेकेड कैटेगरी में 150 cc सेगमेंट में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आती है बजाज कंपनी की तरफ से। सबसे पहले इस गाड़ी में कलर ऑप्शन की बात करो तो दो कलर ऑप्शन मिलते हैं, जो कि पर्ल मेटेलिक व्हाइट ये जो कलर है वो, और दूसरा जो है इबोनी ब्लैक। ऐसे दो कलर ऑप्शन में ये गाड़ी जो है डीलरशिप पे आप जाके विजिट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों इस गाड़ी की आपको मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार की आपको मिलती है, जो कि बेसिक की दी गई और की के ऊपर बजाज की ब्रांडिंग जो आपको देखने को मिलती है और दो की जो है गाड़ी के साथ आपको दी गई है। उसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं अभी गाड़ी के लुक के तरफ। फ्रंट का लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और आपने N150 ये गाड़ी पहले भी देखी होगी। उसी के साथ साइड व्यू मिरर की जो क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी दी गई है। गाड़ी चलाते समय आपको पीछे की आने वाली गाड़ी जो क्लियरली विजिबल जो होती है। उसी के साथ दोस्तों इंडिकेटर का जो सेट है वो हैलोजन में मिलता है, नंबर प्लेट जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि आप गाड़ी पासिंग होने के बाद नंबर प्लेट जो यहाँ पे लगा सकते हैं। उसी के साथ ये जो व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में रेड कलर का ग्राफिक जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। DRL जो आपको यहाँ पर मिलते हैं, हेडलाइट का सेटअप जो आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए, जो कि उसका रात को हेडलाइट का थ्रो जो काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ DRL जो है वो काफ़ी अच्छे और LED में DRL देखने को मिलते। उसी के साथ दोस्तों नीचे की तरफ आने के बाद मडगार्ड फेंडर जो ड्यूल टोन कलर में मिलता है, ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में, और ग्रे कलर का जो ग्राफिक्स है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मडगार्ड और फेंडर की क्वालिटी देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छी है। उसी के साथ दोस्तों सस्पेंशन के बारे में बात करो तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है फ्रंट में मिलता है और इसका ट्रैवल जो है 31 mm इतना ट्रैवल जो है देखने को मिलता है। उसी के साथ ABS की बैजिंग आपको यहाँ मिलती है, रिफ्लेक्टर जो यहाँ दिया गया है। टायर साइज़ की बात करो तो इसमें आपको MRF जयपुर का टायर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है और अलॉय व्हील के साथ आता है। उसी के साथ टायर साइज़ जो 90x90 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर इस गाड़ी में दिया गया है, जो कि ABS सिस्टम के साथ में आता है। एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपको पता ही होगा, ABS सिस्टम जो है इस गाड़ी में देखने को मिलती है। उसी के साथ दोस्तों गाड़ी के इस तरफ आने के बाद आपको फ्रंट और रियर में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। फ्रंट में 260 mm डायमीटर का डिस्क ब्रेक दिया गया है, जो कि गाड़ी का ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। गाड़ी चलाते समय ब्रेकिंग में कोई भी इशू जो आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर इंजन काउल दिया गया है, उस पर भी काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स कंपनी की तरफ से देखने को मिलता है और काफ़ी दिखने में अच्छा लगता है। गाड़ी का लुक भी काफ़ी एनहांस होता है। उसके साथ सेफ्टी क्रैश गार्ड भी आपको यहाँ पर दिया गया है। उसी के साथ दोस्तों गाड़ी के डायमेंशन के बारे में बात करूँ तो गाड़ी का जो टोटल लंबाई है वो 1988 mm इतना है। इसके साथ गाड़ी का व्हील बेस जो है वो 1352 mm इतना है और गाड़ी का जो टोटल हाइट है वो 1052 mm इतना है। गाड़ी का जो टोटल सीट हाइट है वो 790 mm इतना है और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो तो 165 mm इतना गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, ताकि आप गाड़ी जो सिटी में, गाँव में, ख़राब रास्तों पर काफ़ी अच्छी तरह ये गाड़ी जो राइड कर सकते, कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं। उसके साथ आगे आपको यहाँ पर टैंक के ऊपर पल्सर की बैजिंग देखने को मिलती है, आप कुछ इस प्रकार देख सकते हैं और डिज़ाइन वाइज और लुक्स वाइज काफ़ी अच्छा लगता है ये गाड़ी मेरे को। इसके साथ स्पोर्टी लुक देने का कंपनी ने प्रयास किया और ग्राफिक जो है मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। रेड, ब्लैक, ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन, ये ग्राफिक्स मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उसी के साथ यहाँ पे आपको इंजन पे बजाज की बैजिंग देखने को मिलती है और इस गाड़ी में आपको 5-speed गियर बॉक्स मिलता है, जो कि फर्स्ट गियर नीचे और बाकी के चारों गियर जो है वो अपसाइड मिलते। और एक अच्छी बात, इस गाड़ी में 150 cc सेगमेंट में आपको साइड स्टैंड के साथ सेंटर स्टैंड भी कंपनी की तरफ से देखने को मिलता है। उसी के साथ दोस्तों गाड़ी की फुटपेक की फुटरेस्ट की क्वालिटी जो देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के फुटरेस्ट दिए गए। उसी के साथ आपको सारी गाड़ी मिलता है और चेन सिस्टम जो आपको ओपन चेन सिस्टम दी गई, जो कि आप कुछ किलोमीटर के बाद आपको चेन का मेंटेनेंस जो करना पड़ता है सर्विसिंग के टाइम। उसके साथ पीछे का टायर भी काफ़ी अच्छा और वाइट टायर दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया साइज़ का है। उसी के साथ सस्पेंशन की बात करूँ तो रियर का जो सस्पेंशन है आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। गाड़ी चलाते समय सस्पेंशन की क्वालिटी जो काफ़ी अच्छी मुझे लगी और ये काफ़ी अच्छी बात है। उसी के साथ यहाँ पे भी आपको N150 का ग्राफिक्स देखने को मिलता है, ये काफ़ी बढ़िया है और गाड़ी का लुक मुझे काफ़ी पसंद आता है N150 का।
सीट के बारे में बात करूँ तो सीट का जो मटेरियल है, कुशनिंग है, वो काफ़ी अच्छा है और कंफर्टेबल सीट आपको देखने को मिलती है। दो व्यक्ति जो है कम्फर्टेबल इस गाड़ी पे बैठ के राइड जो है वो काफ़ी अच्छी तरह कर सकते हैं। यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल भी मिलता है जो कि काफ़ी मजबूत है, पीछे पिलियन राइडर बैठने के बाद पकड़ के बैठ भी सकता है। अब चलते हैं दोस्तों गाड़ी का रियर की तरफ। गाड़ी का रियर का लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको टेल लाइट का सेटअप जो LED में टेल लैंप मिलते हैं। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर दिया गया है, नंबर प्लेट लगाने होगा तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। टायर अगर जो आपको यहाँ देखने को मिलता है, इंडिकेटर जो है आपको हैलोजन में ही दिए गए। उसके साथ इस साइड भी आपको N150 का बैजिंग और ग्राफिक्स काफ़ी अच्छी तरह किया गया देखने को मिलता है। दोस्तों पीछे का जो टायर है, टायर साइज काफ़ी अच्छा दिया गया है और मुझे काफ़ी पसंद आया। और MRF कंपनी का टायर आपको यहाँ पे रियर में मिलता है और पीछे भी डिस्क ब्रेक दिया गया है, वो काफ़ी अच्छा है और ब्रेकिंग वाइज सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। उसके साथ पीछे का जो टायर है वो 120/80 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर अलॉय व्हील के साथ मिलता है और अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। उसके साथ दोस्तों अगर गाड़ी का सीट अगर आपको खोलना होगा तो आप कुछ इस प्रकार यहाँ पे गाड़ी की जो की लगा के सीट जो है वो एक खोल भी सकते हैं। और ओवरऑल गाड़ी का N150 का लुक मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अरे वाइट कलर काफ़ी पसंद आता है मुझे भी। उसके साथ दोस्तों इस गाड़ी में एक अच्छी बात जो है अंडरबेली एग्जॉस्ट साइलेंसर मिलता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। उसी के साथ इस गाड़ी में आपको 150cc सेगमेंट में कंपनी ने किक स्टार्ट के साथ में सेल्फ स्टार्ट का दोनों का ऑप्शन आपको मिलता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे बजाज की बैजिंग इंजन के ऊपर मिलती है। और इस गाड़ी में दोस्तों इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो 149.68cc का इंजन मिलता है जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 14.5 PS 8500 RPM तक। मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 13.5 Nm इतना 6000 RPM। 5-speed गियर बॉक्स मिलता है ताकि माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिले गाड़ी का। उसी के साथ यहाँ पे भी आपको पल्सर की बैजिंग मिलती है और ये मस्कुलर और स्पोर्टी लुक जो देखने को मिलता है। उसी के साथ दोस्तों ये जो इंजन है ये E20 कंप्लायंट इंजन है जो कि आप 20% इथेनॉल यूज़ करके गाड़ी जो है वो चला सकते हैं। और फ्यूल लीड जो आपको यहाँ पे मिलता है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है 14 लीटर का दिया गया है जो कि माइलेज जो है 50 से 55 KMPL इतना गाड़ी का माइलेज जो आपको मिल सकता है। अब चलते हैं दोस्तों गाड़ी के हैंडल बार के ऊपर कंट्रोल्स की तरफ। यहाँ पे एक बढ़िया फीचर आपको मिलता है USB चार्जिंग पोर्ट जो कि आप गाड़ी चलाते से अपना मोबाइल जो है वो चार्ज भी कर सकते हैं। दोस्तों राइट साइड का जो हैंडल बार है यहाँ पे एक्सेलेटर लीवर दिया गया है, उसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी दी गई है। इंजन किल स्विच आपको यहाँ पर मिलता है, सेल्फ स्टार्ट का स्विच आपको यहाँ दिया गया है। उसी साथ लेफ्ट साइड में आपको पास लाइट का स्विच आपको यहाँ पर मिलता है, मोड का स्विच अगर आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के ऊपर की चेंज करनी हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। उसके साथ लेफ्ट एंड राइट का इंडिकेटर आप यहाँ से दे सकते हैं। हॉर्न का स्विच जो आपको यहाँ मिलता है। उसके साथ दोस्तों ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है N150 में काफ़ी बढ़िया और अपडेट किया गया और चेंज कर दिया, नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिले। मैं एक बार स्टार्ट करके दिखा दो। स्टार्ट करने के बाद कुछ आपको इस प्रकार डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, गियर पोजिशन इंडिकेटर, फ्यूल लेवल, RPM मीटर। उसके बाद यहाँ पे ब्लूटूथ से पेयर करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के सारे फीचर मिलते हैं, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, नेविगेशन आप मोबाइल से एक्सेस करके यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल में बजाज कंपनी का एक अलग से ऐप आता है, उसको कनेक्ट करके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर आप देख सकते हैं। ओडोमीटर गाड़ी का किलोमीटर कितना हो आप यहाँ से देख सकते हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी, बाकी वार्निंग इंडिकेटर जो आपको इस साइड मिलते हैं। उसके साथ डिजिटल क्लॉक दिया गया है और गियर पोजिशन इंडिकेटर एक काफ़ी अच्छा फीचर है। यहाँ पे अगर आपको ये जो स्विच दिया गया यहाँ से आप चेंज करोगे तो इंजन ऑफ दिखाई देगा। एक बार मैं इंजन की स्विच ऑन करके देखता हूँ, यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीड दिखाई देगी। उसी के साथ एंटर सेटिंग में आप जा सकते हैं, यहाँ पे आप ब्लूटूथ से पेयर करने के बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू MT, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप ए ट्रिप बी, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। गियर पोजिशन इंडिकेटर देगा और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे कस्टमर ने बताया था कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो अपडेट करना चाहिए, तो बजाज कंपनी ने एक कंसीडर किया और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो अपडेट कर दिया गया। यार गाड़ी का लुक मुझे काफ़ी पसंद आया और ये गाड़ी दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। आपको ये पल्सर N150 गाड़ी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अब चलते हैं दोस्तों गाड़ी की कीमत की तरफ, गाड़ी की कीमत जो आपको कितनी देखने को मिलती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा बजाज पल्सर N150 इस गाड़ी में क्या क्या फीचर दिए गए थे, ऑन रोड प्राइस कितना है वो अभी हम देखने वाले। उसी के साथ दोस्तों इस गाड़ी में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नया अपडेट कर दिया है, बहुत सारे फीचर जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलती है। और दोस्तों इस गाड़ी का ऑन रोड कीमत जो है पुणे या PCMC एरिया में का ऑन रोड कीमत 1,49,088 रुपीज़ इतना है। दोस्तों ये वीडियो में मैंने कीमत जो बताई है वो कीमत अगर आप वीडियो कुछ दिनों के बाद देखते हो तो कीमत बदल भी सकती है, आपके शहर में कुछ अलग भी हो सकते हैं। तो आप अपने नज़दीकी बजाज शोरूम में जाके विजिट करके गाड़ी की कीमत जो है वो पता कर सकते हैं और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। दोस्तों आज का ये बजाज पल्सर N150 बाइक का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को
सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगली गाड़ी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।